ऑलराइट, अब हम लोग एडोब फोटोशॉप सीएस 2 में हैं और यहाँ पे आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं जो कि सीएस 3 के मुकाबले में काफ़ी सिंपल लगती है। सीएस 2 में भी हमारे पास सबसे पहले मेन मेन्यू टाइटल बार है और उसके राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का स्टैंडर्ड जो बटन है वो हमारे पास यहाँ पे शामिल है। उसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू है, ऑप्शन बार है, टूल पैलेट है और यहाँ पे वही सेम नेविगेटर पैलेट है, इन्फो, हिस्टोग्राम, कलर्स, वॉचेस, स्टाइल, हिस्ट्री एंड एक्शन यहाँ पे मौजूद है जो कि CS3 में नहीं थे। और इसके अलावा लेयर्स, चैनल्स एंड पाथ जो हैं वो सेम यहाँ पे मौजूद हैं। ये काफ़ी सिंपल लुक है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे हमारे पास CS3 में जो टूल्स थे उनमें ब्रशेस था और टूल प्रीसेट्स था और लेयर कॉम्ब्स था। उसके अलावा हमारे पास दो हिस्ट्री एंड एक्शन जो है वो यहाँ पे शामिल थे। अडोबी ब्रिज का जो आइकन है वो भी यहाँ पे शामिल है और आप इसको सिंगल क्लिक करके अडोबी ब्रिज को ओपन कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो वर्क स्पेस है वो भी काफ़ी वाइड है। सो आप लोग इसको भी इसी तरह अगर आप विंडोज़ में जाएंगे और आप लोग अगर टूल को नहीं टूल पैलेट नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे टूल पैलेट जो है वो गायब हो जाएगी। वर्क स्पेस भी इसी तरह ही है, हम लोग अपनी वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने फोटोशॉप CS3 में किया है। डिफॉल्ट वर्क स्पेस भी है और आप लोग जो इंटायर लुक है अगर आपने उसमें चेंज किया तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को रीसेट कर सकते हैं और मेन्यूज़ को रीसेट कर सकते हैं। आप लोग कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मेन्यूज़ को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि हम लोग किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने मेन्यूज़ को और उनको किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं इन मेन्यूज़ को जिनको हम लोग रोज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर इज़ नथिंग न्यू, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास फोटोशॉप 7 है आप उसको ओपन कीजिए और आप लोग देखेंगे कि आपके पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि मौजूद नहीं हैं, जैसे कि आपके पास वेनिशिंग पॉइंट टूल फोटोशॉप 7 में मौजूद नहीं है। और अगर आप लोग एडिट ट्रांसफॉर्म पाथ में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पाथ में जाएंगे तो आपके पास वार्प टूल भी मौजूद नहीं होगा इन फोटोशॉप 7। ये दोनों टूल जो हैं वो काफ़ी हेल्पिंग टूल हैं जब भी हम लोग फोटोशॉप CS2 या CS3 में कोई प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं। एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट इन फोटोशॉप 7, जैसे कि लेयर्स के कुछ ऑप्शन हैं जो कि फोटोशॉप 7 में नहीं है, तो हम लोग इनको कवर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि वो टूल्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।